मिशन वर्ल्ड कप पर टीम इंडिया। नमस्कार दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली है। दोस्तों टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। दोस्तों भारतीय टीम का मिशन वनडे वर्ल्ड कप पर है, जो अक्टूबर नवंबर में भारतीय सरजमीं पर ही खेला जाना है। भारतीय टीम ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप भी भारतीय सरजमीं पर ही जीता था। दोस्तों तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। ऐसे में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को अपनी तैयारी पर काफी फोकस करना होगा, क्योंकि भारतीय फैंस की उम्मीदें उस इतिहास को दोहराते हुए देखने पर होंगी। दोस्तों इस वीडियो में आप भारतीय टीम के मिशन वर्ल्ड कप का रोड मैप जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस मिशन में टीम इंडिया को किन किन चुनौतियों से पार पाना होगा और हमारे हथियार क्या होंगे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से भारत के मिशन की शुरुआत होगी। राहुल द्रविड़ की कोचिंग वाली भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगी। दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले टीम को कम से कम 14 वनडे मैच खेलने हैं। इनमें से 9 द्विपक्षीय सीरीज के और 5 एशिया कप के मैच होंगे। दोस्तों भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंचता है तो एक मैच और बढ़ जाएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 17 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपने नियमित कप्तान पैट कमिंस के बिना उतर रही है, लेकिन चोट से वापसी कर रहे ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्स टीम का हिस्सा होंगे। टीम की अगुवाई स्टीव स्मिथ करेंगे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलने के बाद भारतीय टीम जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने जाएगी। वहां से बोर्ड से सहमति मिलने के बाद भारतीय टीम को सितंबर महीने में पाकिस्तान में एशिया कप खेलना है। दोस्तों एशिया कप के बाद रोहित आर्मी अपने घर में कंगारुओं से 3 मुकाबलों की एक और सीरीज खेलेगी। दोस्तों अब जानते हैं भारतीय टीम की कमजोर और मजबूत पक्ष। दोस्तों भारत में स्टार परफॉर्मेंस की भरमार है। भारतीय टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही क्षेत्र में दमदार प्रदर्शन के साथ फील्डिंग में भी ठीक प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों टीम के टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज है। तो लोअर ऑर्डर में कवान, हार्दिक पांड्या और रविन जडेजा जैसे ऑलराउंडर के पास है। दोस्तों गेंदबाजों की बात करें तो घरेलू पिचर यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के साथ अक्षर पटेल भी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों सीमर्स की अगुवाई जसप्रीत बुमराह करेंगे, उनके साथ मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाज रहेंगे। दोस्तों भारतीय टीम की कमजोरी बड़े मैचों में चौक करने की है। पिछले 2 वर्ल्ड कप में टॉप 4 में मुकाबलों में बाहर हो गई है। दोस्तों ऐसे में रोहित का ट्रेंड बदलने की चुनौती होगी। और अब दोस्तों बात करते हैं उन 2 चुनौतियों के बारे में जिसका सामना भारतीय टीम कर रही है। इनमें से 1 खिलाड़ियों की इंजरी, भारतीय टीम के बड़े इंजरी से लड़ रहे हैं। दोस्तों रोहित की फिटनेस पर भी सवाल उठते हैं। फिलहाल बुमराह और अय्यर NCA की रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वहीं ऋषभ पंत कार दुर्घटना के शिकार हुए। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने खिलाड़ियों की चोट को दूर रखने की चुनौती होगी। और दोस्तों दूसरी चुनौती सही टीम कॉम्बिनेशन। दोस्तों सही टीम कॉम्बिनेशन की तलाश सिलेक्टर्स के सामने अहम होगी, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी हम ही कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।